राजधानी शिमला में पानी का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को तीसरे से चौथे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। शहर के लोग पानी के लिए एक तरफ तरस रहे हैं, वहीं नगर निगम रिज मैदान को पानी से धोने का कार्य कर रहा है और हजारों लीटर पानी बहाया जा रहा है। रिज मैदान पर पानी के टैंकर लाकर रिज को साफ करते हुए नगर निगम के कर्मचारी नजर आए, जिस पर कांग्रेस के पार्षदों ने सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि एक तरफ शहर में पानी का संकट खड़ा हो गया है और लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ नगर निगम रिज मैदान को पानी से धोने में लगा है और पानी को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रिज के साथ ही लोअर बाजार वार्ड में लोगों को तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। जल निगम द्वारा 3 अप्रैल से नियमित रूप से पानी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी भी शहर में लोगों को तीसरे दिन ही पानी दिया जा रहा है। एक तरफ शहर में पानी का संकट खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ नगर निगम रिज मैदान को पानी से धोने का कार्य कर रहा है। पिछले काफी समय से चल रही है और समर्स में तो हर साल पहले भी दिक्कत आया करती थी, हार्डली एक या दो दिन, लेकिन हम पिछले 4-5 वर्षों से देख रहे हैं कि समर्स के अलावा विंटर में भी बहुत दिक्कत आ रही है। हमने पहली बार देखा कि विंटर में पानी की राशनिंग की गई है, जबकि जब ये प्राइवेटाइज किया गया था तो हमें ये आश्वस्त किया गया था कि पानी जो है 24/7 आएगा और लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत जो हो रहा है, हमें विंटर्स में भी पानी नहीं मिल पा रहा। अब जिस तरह गर्मियां आ गई हैं, एक बार पहले भी लोग अपनी आर्थिकी से सफर कर रहे हैं, क्योंकि अब पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला, पर्यटक काफी भारी मात्रा में आने वाले हैं, उससे पूर्व अब ऐसा है कि शहर में पर्याप्त पानी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अपने मॉल रोड वार्ड की, तो यहाँ पे तीसरे दिन पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि मैंने जो पिछला सदन गया उसमें भी मैंने क्वेश्चन उठाया था और मुझे ये आश्वस्त किया था कि 3 तारीख के बाद जब पंप की रिपेयर हो जाएगी पानी जो है पर्याप्त मात्रा मिलेगा। हालांकि जो पानी है 40-42 MLD रोज इनके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी जो ये राशनिंग है या बांटने का जो वितरित करने का तरीका है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको वो निराशाजनक है। सेम टाइम पे जिस तरह आपने बोला कि रिज को धोया जा रहा है, पहले ठीक है रिज की सफाई भी जरूरी है, लेकिन जो पहले हमारी आवश्यकता है लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पानी जो है बेसिक चीज है, हम इसको भी अब तीसरे दिन दे रहे हैं और उसके बाद और सफाई कर रहे हैं। पहले हमें जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंचाना है, उसके बाद जो है सफाई का दूसरे कार्य होना।